एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक फेमस समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी के एक मैनेजर समोसे खाते खाते समोसे वाले से मजाक के मूड में आ गए। मैनेजर साहब ने समोसे वाले से कहा, यार गोपाल, तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना समय और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहां होते? हो सकता है शायद तुम भी आज मैनेजर होते मेरी तरह। इस बात पर समोसे वाले गोपाल ने बड़ा सोचा और बोला, सर, ये मेरा काम आपके काम से कहीं बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसा बेचता था, तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 रुपए कमाता था और आपकी पगार थी 10,000। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस प्रसिद्ध दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीना 50,000 कमाते हैं और मैं महीना 2,00,000। लेकिन इस बात के लिए मैं मेरे काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा हूं, यह तो मैं बच्चों के कारण कह रहा हूं। जरा सोचिए सर, मैंने तो बहुत कम कमाई पर धंधा शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जिंदगी में जो मेहनत की है उसका लाभ मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का लाभ आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आपके बेटे को आप डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर तो नहीं बिठा सकते ना, उसे भी आपकी ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने कार्यकाल के अंत में वही पहुंच जाएगा जहां अभी आप हो, जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहां से और आगे ले जाएगा और अपने कार्यकाल में हम सबसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताइए, किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है? भाई, मैनेजर साहब ने तो समोसे वाले को 2 समोसे के 20 रुपए दिए और बिना कुछ बोले वहां से खिसक लिए। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मैं अपने एग्जाम्स में फेल हो गया और मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वह माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ एक इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। इसलिए कभी भी आपको लाइफ के रिजल्ट्स से निराश नहीं होना चाहिए। आप जहां पर है वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं। सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेंगी।